आज हम आए हुए हैं सुभाष नगर में और यहाँ हम ट्राई करेंगे स्विमिंग पूल वाले छोले कुलचे। तो चलिए दिखाते हैं आपको। तो भैया क्या सीन है इसका स्विमिंग पूल का? कुछ नहीं है भैया, बस लोगों को पसंद है और नाम रख दिया हमने स्विमिंग पूल। तो ये देखिए भैया ने प्याज टमाटर और हरी मिर्च ले ली है। हाँ जी, अब इसमें आ रहे हैं अदरक भी ले लिया है। हाँ, और ये अब आ रहे हैं छोले, हमारे बड़े सूखे हुए ड्राई छोले हैं। हाँ जी, मसाला कैसा? तेज मसाला। तेज भैया, ये क्या डालो? गरम मसाला? ये अपना घर के बने हुए। अच्छा, घर के बने हुए मसाले हैं। ये पीली मिर्च, ये सीक्रेट मसाले हैं, सीक्रेट तो रहना चाहिए भैया। उसमें सब कुछ अलग अलग बना हुआ ना, दो तीन चीजें मिली हुई है। और ये किस चीज की चटनी थी भैया? ये धनिया हरी मिर्च पुदीना अदरक। तो धनिया हरी मिर्च पुदीना और अदरक की चटनी डाली है और ये सारी चीजें डाल के छोले में बढ़िया तरीके से मिला लिया भैया ने। तो पत्ते पे सर्व करते हो भैया? हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो जो हमारे ये छोले हैं इनको लिया है पत्ते के ऊपर और अब स्विमिंग पूल बनेगा। हाँ जी, बनाइए भैया। ये देखो, ये बन रहा है इसमें स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल में भैया पानी किस चीज़ का आएगा? वही चटनी आएगी। ओके ओके, तो ये चटनी और टमाटर का मिक्स पानी। हाँ जी, अरे वाह, वो तो मना थोड़ा करता है। और इसमें डाला है नींबू, बहुत ही बढ़िया। और इसके ऊपर फिर से इनका जो मसाला है वो थोड़ा सा नमक और पीली मिर्च, अदरक मत डालना भैया बस, ठीक है। ऊपर से फिर से प्याज और हरा धनिया डाला है। और भैया कुलचे कौन से हैं आपके पास? दो तरीके के कुलचे भैया, आटा और मैदे के। तो भैया आटे के कुलचे लगाओ। एक से आटे के बेक लगा दी। और भैया कुलचे के अलावा मैंने आपकी छाछ भी देखी थी। हाँ जी, मेरा रायता भी है। रायता भी है, उधर आ जाऊँ? आ जाओ आप सर। ओके, मैं उधर आता हूँ। और ये हमारे कुलचे लग रहे हैं, ये आटा कुलचा है और ये मैदा कुलचा है। हाँ, दो आटा लगा दो, एक मैदा लगा दो। और भैया प्राइस क्या है छोले कुलचे का एक प्लेट का? ये आटे वाली प्लेट 50 रुपए की है। आटे वाली प्लेट 50 रुपए? क्या कहते हैं, ये 60 रुपए की है। और बटर में 10 रुपए? ये 60 रुपए की। और बटर में कराओ तो 10 रुपए और। तो बटर में ही करो भैया, वो तो अभी करूंगा। हाँ जी, तो अगर आप मैदा वाले कुलचे लेंगे तो 50 रुपए प्लेट है, आटे वाले कुलचे लेंगे तो 60 रुपए और अगर आप बटर में कराएंगे तो 70 रुपए। बहुत बढ़िया भैया। ओके, और अब लगाया जा रहा है इस पे बटर कुलचों के ऊपर। अरे वाह, बटर बढ़िया लगाओ भैया, आप पहले बढ़िया लगा रहे हो, कहने की बात ही नहीं है। तो ये देखो कितना बटर डाल दिया है भैया ने कुलचों के ऊपर, तो थोड़ा सा हरा धनिया भी डाला है, बहुत बढ़िया। कुलचे हमारे तैयार हो चुके हैं, बटर में बढ़िया तरीके से सिक गए हैं दोनों तरफ से। और ये हमारे स्विमिंग पूल वाले छोले हैं ही साइड में। ये भैया अचार किस चीज़ का है? मूली, मूली और मिर्च। ओके, और ये हमारे आ गए कुलचे, बहुत ही बढ़िया। एक भैया अपना रायता भी दो आप, और रायते की भी आप पैकिंग देखना कैसी पैकिंग निकलेगी। ये इनकी स्पेशल पैकिंग है, रायता इनका इस तरीके से आता है बोतल में पैक होके। बूंदी रायता भैया। अब खा के देखते हैं इनको। देखिए दिखने में तो बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं, इस तरीके से छोलों को कोई सर्व नहीं करता, छोले के अंदर इन्होंने पूल बना दिया है, इसमें पानी भर के दिया है छोले के अंदर, और साथ में अचार है। और ये तीन हमारे कुलचे हैं, अब ट्राई करके देखते हैं टेस्ट कैसा है। कुलचा तो बहुत ही सॉफ्ट है, जो वीट कुलचा है इनका। तो छोले भी लेते हैं और स्विमिंग पूल का थोड़ा पानी भी लेते हैं साथ में। बहुत ही टैंगी टेस्ट है लेकिन बहुत ही बढ़िया, स्पाइसी नहीं है उतना, साथ में अचार दिया हुआ, अचार भी बढ़िया है। वही तो रायता है, रायता भी ट्राई करके देखेंगे रायता कैसा है। रायता तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, इवन तो अभी गर्मी नहीं है, गर्मी में मिल जाए तो इतना रिफ्रेशिंग है कि मज़ा आ जाएगा। जो भी था सबसे बढ़िया चीज़ लगी मेरे को वो कुलचे, आटे के कुलचे हैं, मैदा वाले नहीं है, बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट। और छोले इनकी स्पाइसी नहीं है बिल्कुल भी, बहुत मतलब मॉडरेट स्पाइसी हैं। और ये जो इन्होंने बीच में पानी दिया है, ये टमाटर का और जिनकी स्पेशल चटनी है उसका जो मिक्स वाला पानी है स्विमिंग पूल बना के दिया जिसका, उससे
बहुत ही लाजवाब टेस्ट आ रहा है। और जैसा कि बटर में कराए हुए हैं कुलचे तो बहुत अच्छे हो रखे हैं। ओवरऑल पूरी मील हमारी 70 रुपये की पड़ी है हमें, वो भी तब जब बटर में कराई है, और 70 रुपये की मेरे हिसाब से टोटली वर्थ इट है पूरी तरीके से। तो अगर आप सुभाष नगर की तरफ आएंगे ये कुलचे आप ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिए। एड्रेस भी आपको समझा देता हूँ, सुभाष नगर में आपको आना है छतरीवाला पार्क। छतरीवाला पार्क में ये भैया का स्टॉल है और नाम है भैया के शॉप का कश्यप छोले कुलचे। भैया टाइमिंग क्या है आपका? भैया सुबह 9:30 से शाम को 4:30। तो सुबह 9:30 से शाम को 4:30 तक ये रहते हैं। वैसे मैं आपको रेकमेंड करूँगा 12 से पहले ही आ जाओ आप, 12 से पहले थोड़ी भीड़ भी कंपेरेटिवली कम रहती है और सामान भी बहुत ज़्यादा रहता है, तो उस टाइम आपको बनता हुआ दिखा भी बनता हुआ भी बहुत बढ़िया दिखेगा। भाई कुलचे मेरे को बहुत पसंद आए, अगर मैं 10 में से रेट करूँगा तो डेफिनेटली 9 out of 10, 8 तो इसके टेस्ट का और 1 एक्स्ट्रा नंबर इसकी प्रेजेंटेशन का, जिस तरीके से इन्होंने इसे प्रेजेंट करके दिया है बहुत ही बढ़िया। तो ये जो स्टॉल है भैया ने स्टार्ट किया था, भैया आपने स्टार्ट किया है? नहीं, स्टार्ट तो हमारे पिताजी ने करा था। अच्छा, पिताजी ने स्टार्ट किया था? हाँ जी। कितने साल पहले? ऑलमोस्ट ये करा था जी 1969 में। 1969 में स्टॉल स्टार्ट किया था। और भैया क्या खास बात है आपके स्टॉल की ऐसी कि लोग मतलब बार बार आ जाते हैं? खास बात यह है कि एक तो हम पूरा प्रॉपर नेचुरल काम में कर रहे हैं, कोई पत्ते पत्ते मतलब सारा सामान जो है हमारे पत्ते का ही है। आजकल क्या है कि लोग थर्माकोल प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं। हाँ देखिए, हर कोई थर्माकोल या प्लास्टिक में आपको दे रहा होता है, यहाँ आपको सब कुछ नेचुरल मिलेगा। देखिए जो भी चीज़ें पत्तों के ऊपर सर्व की जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें, जो भी कुछ सेटअप है सारा पत्ते का ही है। हम सर्विस भी करते हैं पत्ते नहीं देते। और ये देखिए आपने प्याज भी जो रखी हुई है वो पत्ते के अंदर रखी हुई है, यहाँ पे मतलब सब चीज़ पत्ते के अंदर है, बिल्कुल प्योर नेचुरल सब। और जो भैया मसाले हैं वो भी आप खुद बनाते हो? हाँ जी। और ये स्विमिंग पूल वाला कॉन्सेप्ट कहाँ से आया भैया आपके दिमाग में? नहीं, हमारे दिमाग में नहीं आया, ये तो पब्लिक ने बोल दिया। अच्छा, पब्लिक ने बोल दिया? हाँ जी, कस्टमर आते हैं यहाँ पे। हाँ जी, तो वही ये सब देखते हैं तो उन्होंने नाम दे दिया। और भैया टेस्ट आपका सच में लाजवाब है। तो अगर आप कभी सुभाष नगर की तरफ आए, यहाँ आप स्विमिंग पूल वाले छोले कुलचे एक बार खाइएगा, उसके बाद तो आप डेफिनेटली बार बार अपने आप ही आते रहोगे यहाँ पे। धन्यवाद भैया।